आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। तो देखते हैं कितने यूनिट सेल का कितने टाइप का होता है। तो ये यूनिट सेल का दो तरह की होती है। तो पहला देखते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक और नाम है जिसे कहा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है SCC और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। इसका थ्री डी में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा और इसमें लैटिस पॉइंट जो होंगे सभी के सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो जाएंगे 8। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 8। तो इसकी डिफिनेशन होगी इन पिरामिडल यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली द कॉर्नर। ये सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर पिरामिडल यूनिट सेल में। अब बात करते हैं नॉन पिरामिडल यूनिट सेल की। तो इसमें जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा हमारा वो कॉर्नर पर भी होगा और उसके सेंटर ऑफ द बॉडी में भी होगा और उसके फेसेस पर भी होगा। तो ये कुछ फॉलोइंग टाइप का होता है। मैं मेन तीन टाइप का लेता हूँ जिसे कहा जाता है। पहला है फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, और तीसरा है एंड सेंटर या फिसाई सेंटर। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SCC। इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से। इसको लिखा जाता है BCC। इसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। और इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको तो इसका हम 3D में स्ट्रक्चर देखते हैं क्योंकि किधर बांध कर इसको। तो फेस सेंटर से जैसे नाम से पता चल रहा है तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें हम तो इन फेस सेंटर यूनिट सेल लैटिस पॉइंट अ प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज इसमें लैटिस पॉइंट जो होगा वो कॉर्नर भी प्रेजेंट होगा और इसके फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। तो ये एक फेस ये हो चुका है हमारा, तो इसके एक सेंटर में, दूसरा फेस है इसके सेंटर में, और तीसरा फेस ये नीचे वाला इसके सेंटर में, और इधर चौथा वाला ये इसके सेंटर में। और अगर ये फेस एक हम फेस ये लें तो इसके सेंटर में, और अगर ये फेस हमारा पीछे वाला हो तो एक इसके सेंटर में। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 8 कॉर्नर पे है प्लस क्यूब में 6 फेसेस हैं तो 6 पॉइंट इस फेस पे, एक पॉइंट एक फेस पे, तो 6 पॉइंट पे 6 फेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो जाएगा 14। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 14। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर की। तो इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसमें जो होगा इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज इट्स सेंटर ऑफ बॉडी। बॉडी सेंटर में एक पॉइंट जो हमारा लैटिस पॉइंट होगा उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर। ये सब मैंने डिटेल में पिछली वीडियोस में बात की है कि
बॉडी सेंटर में एक सेंटर होगा, उसके एक जो रूम होगा उसके बीच में एक सेंटर बीच में होगा। तो वैसे ही यहाँ पर बीच में एक सेंटर, एक लैटिस पॉइंट वहाँ पर हो जाएगा और एट कॉर्नर पर एट लैटिस पॉइंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी एंड सेंटर की। तो एंड सेंटर में क्या होगा इसको पहले देखते हैं। तो एंड सेंटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें इन एंड सेंटर यूनिट सेल में तो लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट कॉर्नर एज वेल एज दी एंड सेंटर टू पैरेलल फेसेस पे। तो यानी कि एक फेस पहले कॉर्नर पे देख लीजिए, सभी कॉर्नर पर हो जाएंगे और एंड सेंटर यानी कि दो पॉइंट हमारा प्रेजेंट होगा फेस पे जो कि एंड 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 फेसेस पे यानी कि पैरेलल होगा। एक फेस ये वाला, एक फेस ये वाला, इसके बीच में पॉइंट हो जाएगा। अब इसके पैरेलल में एक प्लेन होगा, एक फेस होगा ये वाला, तो इसके बीच में एक लैटिस पॉइंट हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू एट कॉर्नर पर एक सेंटर में, तो 8+1 इज इक्वल टू 9। तो इसमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू यहाँ लिखो 8+ या एंड में दो इज इक्वल टू 10। ये हो गए हमारा हो गया। अब हमें देखना है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल, तो इसमें हम देखेंगे पहले 2D के लिए। तो दी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इन 2D। तो 2D के लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक फिगर। ये 2D हो गए, ये इसके बीच में एक सेंटर है, इसके बीच में एक सेंटर है जिसे कहा जाएगा इंटीरियर। हम कहेंगे इंटीरियर मतलब इसके अंदर, और इसके पास 4 लैटिस पॉइंट है, इसे कहते हैं कॉर्नर। तो 3D में मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल बता दिया है, तो 2D में थोड़ा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल लिख लीजिए। अगर हम इस कॉर्नर को लें तो ये कॉर्नर कितनी यूनिट सेल का पार्ट है। जैसे कि हम इसे अगर लैटिस ड्रा करें कुछ, अगर इस तरह हमारी एक लैटिस हो तो ये हमारा ये जो वाला लैटिस पॉइंट है ये 4 यूनिट सेल का पार्ट है। एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये, चौथी ये पॉइंट जो है हमारा वो चार यूनिट सेल से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारी लैटिस है उसमें ये पॉइंट जो हमारा 4 यूनिट सेल से जुड़ा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हो जाएगा 1/4 कंट्रीब्यूशन। इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाएगा। तो इसका एक इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले को देख लीजिए। n2d इज इक्वल टू n इंटीरियर प्लस n कॉर्नर बाई 4।
तो यानी इंटीरियर हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको हटा दूँ मुझे, तो हमारा पहला वाला फिगर ही था। तो इंटीरियर मतलब इसके अंदर वाला, तो यानी इंटीरियर। इंटीरियर क्या होगा, द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन साइड द यूनिट सेल, इन साइड द यूनिट सेल इसके अंदर। और यानी कॉर्नर क्या होगा, पॉइंट यहाँ तक हमारा ये सेम हो जाएगा, द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट द कॉर्नर, ये हो जाएगा हमारा। अगर हमें इसे कैलकुलेट करना हो यानी 2D के लिए, तो हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पर यानी इंटीरियर इज इक्वल टू कितना है, यानी इंटीरियर में इंटीरियर 1 है, तो यानी इंटीरियर हो जाएगा 1। और कॉर्नर हमारा 4 है, तो यानी कॉर्नर इज इक्वल टू 4। तो हम इसको इस फार्मूले में रख देते हैं, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा। इंटीरियर हमारा 1, यन कॉर्नर कितना है, यन कॉर्नर कितना 4, और ये इसकी कंट्रीब्यूशन में 1/4। इस फार्मूले में 1/4 वो उसका कंट्रीब्यूशन जो था वो वहाँ से आया है, ये फार्मूले में 1/4 ये हो जाएगा, ये हमारा 4 4 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1। यानी 2D के लिए हमारा 2 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं 3D के लिए, इन 3D के लिए। तो 3D के लिए सबसे पहले हमें क्यूब बना लेते हैं, क्यूब कंसीडर कर लेते हैं, तो ये कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो एक बीच में इंटीरियर वाला, एक मैं फेस वाले को दिखा देता हूँ। तो इसे क्या कहते हैं, ये हमारा कॉर्नर वाला है, कॉर्नर ये हमारा फेस पे है, और ये हमारा इंटीरियर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला इसके लिए भी है, उसको हम रखते हैं यन 3D के लिए, यन 3D इक्वल टू यन इंटीरियर प्लस यन फेस, तो यन फेस अपान कितना होगा, इसका कंट्रीब्यूशन जितना होगा उतना ही इसके अपान में आएगा। तो फेस का कंट्रीब्यूशन जो होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, इसका 2 होता है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने ये सब बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद में पढ़ाइए। तो यन फेस हो गया, अब यन कॉर्नर के लिए बात करते हैं। तो कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल होता था 1/8, तो इसके लिए 1/8 जो बाय में आ रहा है वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल ही है। तो सबसे पहले अगर हमें निकालना होगा सिंपल क्यूबिक का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले हमें इसका निकालना होगा। सबसे पहले हम एक सिंपल क्यूब बना लेते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें अभी मैंने बताया था कि इसमें लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो लैटिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं सिंपल क्यूबिक में।
सिंपल क्यूब में बनाया, इंटीरियर में होगा ना फेस पे होगा, तो यानी इंटीरियर जो हमारा जीरो हो जाएगा, और यान फेस पे, फेस पे भी कोई नहीं है तो यान फेस भी जीरो हो जाएगा, और यान कॉर्नर, तो कॉर्नर पे तो सभी परसेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यान कॉर्नर पे यान कॉर्नर इज इक्वल टू 8। तो इन सब वैल्यूज को उठाकर हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, तो हमारे लिए जो निकलेगा वही हो जाएगा सिंपल की बिक के लिए। यानी 3D इज इक्वल टू यानी इंटीरियर है 0, यानी फेस 0/2 प्लस यान कॉर्नर 8/8, तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा, इंटीरियर 0 हो जाएगा, ये 8/8 1 हो जाएगा, तो यान 3D इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा सिंपल क्यूबिक के लिए। तो इसी तरह हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए और BCC के लिए और एंड सेंटर के लिए देखते हैं। हम दूसरे की बात कर रहे थे जिसका नाम था SCC, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, अब पूरा नाम मैंने बता दिया है FCC के लिए। तो इसका स्ट्रक्चर मैं पहले ड्रा करता हूँ। तो FCC में मैंने पहले ही बता दिया कि इस पर कॉर्नर पे परसेंट होते हैं और इसकी सभी फेसेस पे, तो एक यहाँ पर और एक इसके पीछे, तो इसमें यानी इंटीरियर जो है 0, यान फेस पे परसेंट है 6, इस पे फेस पे 6% है, और यान कॉर्नर इक्वल टू 8। तो इसको हम फार्मूले में रख देते हैं यान 3D, तो यान इंटीरियर जो हमारा 0, फेस 6/2 प्लस 8/8, ये वाला 1, ये वाला 3, 2 3 6, तो यान 3D इक्वल टू हो जाएगा 3x4, ये हमारा हो गया FCC के लिए। अब तीसरा हम देखते हैं BCC, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इसका भी फिगर बना दें, इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें कॉर्नर पे होगा और इसकी एक बॉडी में होगा, एक लैटिस पॉइंट इसकी बॉडी के अंदर, ये तो ये इंटीरियर में हो जाएगा, तो यानी इंटीरियर इज इक्वल टू 1, फेस पे 0, और यानी कॉर्नर पे तो 8 होते हैं। तो इसको अगर हम फार्मूला में रख दें यान 3D इज इक्वल टू यान इंटीरियर 1, फेस वाला 0/2 प्लस 8/8, ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 0 हो जाएगा, (1, 1, 2). अब हमारा तीसरा चौथा वाला बचा है एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हम देखते हैं इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसके सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा लैटिस पॉइंट,
और दो पैरेलल प्लेन, पैरेलल फेसेस थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो इसमें यानी इंटीरियर तो जीरो हो जाएगा। इंटीरियर पे है नहीं, इंटीरियर जीरो, यानी फेस पे 1 2, और यानी कॉर्नर इज इक्वल टू 8। तो अगर हम इसको फार्मूले में रख दें तो क्या होगा वो देख लीजिए। एन 3D इज इक्वल टू इंटीरियर पे 0, फेस पे 2 बाई 2 प्लस 8 बाई 8, ये वाला 1, ये वाला 1 1 1, इसके लिए एन 3D इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा। तो आज की वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।